आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास एक स्टेशनरी सोर्स है एस, जो प्रोड्यूस करता है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, एंड एन ऑब्जर्वर ओ इज एट रेस्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अ रिफ्लेक्टर इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेरिएशन ऑफ बीट्स रजिस्टर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास आप देख सकते हो, इनिशियल हमारे पास जो है एक सोर्स है, ये मान लेते हो सोर्स, और हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि सोर्स से कुछ डिस्टेंस दूर पर बैठता है, ठीक है। ऑब्जर्वर को मैं ओ मान लेता हूँ, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसे मैं मान लेता हूँ डी, ठीक है। अब इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, इस पे हमारा एक रिफ्लेक्टर मूव करता है, ठीक है। अब आगे इन्फॉर्मेशन ये होने की, द रिफ्लेक्टर इज मूविंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अलॉन्ग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यानी हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो कुछ यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी मान लेता हूँ, ये रिफ्लेक्टर को आर बोल देता हूँ मैं, और ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, और ये कुछ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से आ रहा होगा, और फिर ये बाद में प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हमारा एस जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है एफ की, ठीक है, जो एफ जो है वो ओ भी ऑब्जर्व करता है कि उसको एफ की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, बट ओ एक और फ्रीक्वेंसी हर्ट करता है, ठीक है, वो होगी जो कि रिफ्लेक्टर उसको सुना रहा है, ठीक है। तो एफ यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअल में एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी इसके तरफ जा रही होगी, ठीक है, आर रिफ्लेक्टर के पास, और ये कुछ अब ये कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ये एंगल में मान ले तो थीटा होगा कुछ एट अ डिस्टेंस, तो ये कुछ डॉपलर इफेक्ट के कारण इसको कुछ दूसरी वेलोसिटी दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी। इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसको मैं बोलता हूँ एफ नॉट, ठीक है। अब इसको अगर एफ नॉट सुनाई दी तो ये एफ नॉट रिफ्लेक्ट करेगा, और ये एफ नॉट रिफ्लेक्ट करेगा ओ की तरफ। अब इसको ओ के लिए जो इसका सोर्स जो है वो वी से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है एफ नॉट की वेलोसिटी, एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी, तो इसको कुछ दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, इसको मैं बोल दूंगा एफ डैश, ठीक है। तो ओ को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी है, एक है एफ और दूसरी है एफ डैश, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी यहाँ पे जो हम ओ को जो है कुछ बीट सुनाई देंगे जब हमारा रिफ्लेक्टर जो है मूव करेगा टुवर्ड्स एस ओ, मतलब इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से माइनस इन्फिनिटी से ये आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी यानी बी जो है वो हमें बताना है किस तरह से होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया किसी टाइम पे ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कुछ एंगल बनाता है थीटा। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो डॉपलर इफेक्ट जो इसको सुनाई देगा एफ नॉट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से हमें ये पता है कि एफ जो अपेरेंट होती है वो होती है वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है, जिसमें वी ओ हमारी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है, वी एस हमारी सोर्स की वेलोसिटी होती है, ठीक है, टुवर्ड्स इच अदर, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है रिफ्लेक्टर जो सुनेगा उसमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो तो जीरो है क्योंकि सोर्स तो स्टिल है। तो एफ नॉट कितना हो जाएगा आपका, जो सोर्स सुन रहा होगा वो होगा वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा वी का कॉस कंपोनेंट यानी वी कॉस थीटा, ठीक है, टुवर्ड्स द सोर्स, तो हो जाएगा वी प्लस वी कॉस थीटा अपॉन, जिसमें ये जिसमें जो वी है ये वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टर है और ये वाला जो वी है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इसको मैं वी एस बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि सोर्स तो मूव कर नहीं रहा, ठीक है, ये हो जाएगी एफ नॉट जो हमारा रिफ्लेक्टर सुन रहा है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टर सुन रहा है और तो ये एमिट भी करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट भी करेगा वही फ्रिक्वेंसी, और हमें बताना है कि अब जो हमारा ऑब्जर्वर जो सुनेगा उसको मैं कहता हूँ एफ डैश, तो वो कितनी हो जाएगी, डॉपलर इफेक्ट से आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर स्टिल पे, तो ये हो जाएगा वी एस प्लस ऑब्जर्वर के जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा वी एस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा वी, यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है, अगर क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट, तो ये डी बाई टू हो जाएगा और ये भी डी बाई टू हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा।
ठीक है, तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये लिख देंगे वी कॉस थीटा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर इनटू कौन सी फ्रीक्वेंसी जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और ये कौन से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये एफ नॉट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एफ नॉट, ठीक है, और यहाँ पे मैं एफ नॉट को है ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ से एफ डैश कितना आ जाएगा, वो आएगा वी एस अपॉन वी एस माइनस वी कॉस थीटा इंटू एफ नॉट को मैं लिखता हूँ अगर, तो एफ नॉट हो जाएगा वी एस प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी एस, ठीक है, इंटू एफ, एफ कौन सी है, एफ वो वाली फ्रिक्वेंसी है जो हमारा सोर्स एमिट कर रहा है ओरिजिनल, ठीक है, तो यहाँ से वी एस कट जाएगा और हमारे पास एफ डैश आ जाएगा, वो आएगा वी एस प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी एस माइनस वी कॉस थीटा इंटू एफ, ठीक है। अब हमारे पास जो एफ डैश आ चुका है, अब हमें एक चीज पता है कि हमारा एफ डैश जो होगा, एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर होगा एफ से, ठीक है, तो हमें बीट फ्रिक्वेंसी बतानी है, तो बीट फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी हमारी, बी इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एफ से निकलेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा वी एस प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी एस माइनस वी कॉस थीटा एफ माइनस एफ, ठीक है, अब यहाँ से एफ कॉमन आ जाएगा और अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एफ इंटू, यहाँ पे बचेगा वी एस प्लस वी कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस वी एस प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी एस माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बिट फ्रीक्वेंसी आ गई, वो आ गई हमारी एफ इंटू टू वी कॉस थीटा अपॉन वी एस माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है, तो हमारे पास जो है बीट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा हमारा ऑब्जर्वर वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा एक वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कॉस थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ये वैरी करेगा 0 से 90 डिग्री तक जब ये अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अप्रोचिंग में ये यहाँ पे 0 हो सकता है मैक्सिमम जब ये इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे कि जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तब ये 90 हो जाएगा, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि 0 पे क्या होगा, तो बीट फ्रिक्वेंसी एट 0 कितनी होगी, यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2V अपॉन वी एस माइनस वी, ठीक है, इंटू एफ, और जब 90 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म बीट एट 90 डिग्री जो होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम बीट फ्रिक्वेंसी जो हमारा ऑब्जर्वर हर्ड कर सकता है वो है BO के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया जब हमारा जो रिफ्लेक्टर था जब वो सेंटर की तरफ आ रहा था, मतलब SO के बीच में आ रहा था, तो अब मान लेते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अब हमारा जो रिफ्लेक्टर होगा वो अवे जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको मैं फिर से मान लेता हूँ एक एंगल फाई, ठीक है, तो अब ये अवे जा रहा है तो इसका ये भी हो जाएगा फाई, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी अवे फ्रॉम द सोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी वी कॉस थीटा, ठीक है, अब इस केस के लिए हम निकाल लेते हैं बिट्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है, तो अगर मैं अगला केस मानूं तो मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूं, ठीक है, ये हमारा सोर्स था, ये हमारा ऑब्जर्वर था, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, अब इस पे जो है हमारा रिफ्लेक्टर कुछ यहाँ पे पहुंच गया है और वो एंगल बना रहा है कुछ फाई, ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी वी, तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी कॉस फाई के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये एंगल फाई हो जाएगा, अब हमें बताना है कि वापस से जो है सारी फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, ये एमिट कर रहा था एफ तो ये कुछ सुन रहा होगा अभी, इसे मैं मान लेता हूँ ये एफ एफ एस सुन रहा है, ठीक है, एफ एस सुन रहा है, अब एफ एस सुन रहा है तो ये रिफ्लेक्ट एफ एस करेगा, बट ओ को जो है कुछ दूसरी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, उसको मैं बोलता हूँ एफ एस डैश, और ये एफ भी सुन रहा होगा तो इस यहाँ पे फिर से भी बीट प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे बीट कैसे प्रोड्यूस होगी, वो होगी एफ माइनस एफ एस डैश के बराबर, ठीक है, तो हम यहाँ से हम एफ एस डैश निकाल देते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास बीट आ जाएगी, ठीक है, तो एफ एस डैश अगर मैं निकालू तो वो कितना होगा, आप देख सकते हो ये कितना सुन रहा होगा डॉपलर इफेक्ट से, ठीक है, एफ एस कितना होगा, वो हो जाएगा एफ जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सोर्स, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जो है ये अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है,
तो अब यहाँ पे आएगा वी एस माइनस वी कॉस फाई, ठीक है, अपॉन सोर्स तो हमारा स्टिल है, तो यहाँ पे आएगा वी एस ओनली, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एफ एस, अब हमें चाहिए एफ एस डैश। एफ एस डैश के लिए हमें पता है हमारा रिफ्लेक्टर जो कितना फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहा है, ये एफ एस फ्रिक्वेंसी जो होगा ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, राइट। और यहाँ पे जो होगा हमारा, हम ये लिख सकते हैं कि ये अब जो है ये सोर्स, ये जो है हमारे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, राइट, दूर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है दूर जाने की ऑब्जर्वर से, वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एस प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे हम, अपॉन ये हो जाएगा वी एस माइनस, अभी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है तो इसको लिख देंगे हम वी, ये माइनस है, ये माइनस और इसका खुद का माइनस आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वी कितना होगा यहाँ पे वी कॉस फाइव, ठीक है। अब यहाँ से मैं एफ एस को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एफ इंटू वी एस माइनस वी कॉस फाइव अपॉन वी एस इंटू वी एस अपॉन वी एस प्लस वी कॉस फाइव, ठीक है। अब जो होगा हमारा एफ एस डैश जो आएगा वो आएगा कितना, वी एस से वी एस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एफ इंटू वी एस माइनस वी कॉस फाइव अपॉन वी एस माइनस सॉरी प्लस वी कॉस फाइव, ठीक है। अब हमारे पास एफ एस आ चुका है, अब हम बीट फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, बीट फ्रिक्वेंसी बी कितना होगा, ठीक है। अब एक बात आप देख सकते हो कि इस केस में जो होगा हमारी फ्रिक्वेंसी जो होगी जो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और एफ एस डैश जो होगा एफ एस डैश वो छोटा होगा एफ से जो कि सोर्स एमिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वी एस माइनस है, ऊपर में माइनस आ रहा है और नीचे में प्लस आ रहा है, मतलब नीचे में प्लस आने से तो डिनोमिनेटर में प्लस आ गया, मतलब वैल्यू जो है वो कम हो गई, और ऊपर भी कम आ गया, ऊपर भी माइनस कर रहे हैं मतलब वैल्यू फिर से कम हो गई, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा एफ एस जो होगा वो एफ एस डैश जो होगा वो एफ से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से बीट फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, वो निकाल सकते हैं हम एफ माइनस एफ एस डैश से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हम दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ वी एस माइनस वी कॉस फाइव अपॉन वी एस प्लस वी कॉस फाइव, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एफ कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वी एस प्लस वी कॉस फाइव माइनस वी एस प्लस वी कॉस फाइव अपॉन वी एस प्लस वी कॉस फाइव, ठीक है। तो यहां से वी एस और वी एस कट जाएगा और ऊपर बचेगा एफ इंटू टू वी कॉस फाइव अपॉन वी एस प्लस वी कॉस फाइव, ठीक है। अब यहां पे भी हमें पता है कि जो फाइव होगा, फाइव हमारा एंगल वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, वो वैरी करेगा 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 0 से 90 रखेंगे तो हमारे पास एक b जो है एक b मैक्स मिलेगा, ठीक है, b 0 मिलेगा, वो कितना मिलेगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा f इंटू टू वी अपॉन वी एस प्लस v, क्योंकि cos 5 cos 0 1 हो जाएगा, और b 90 कितना मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बीट फ्रिक्वेंसीज है, जो मैक्सिमम बीट फ्रिक्वेंसीज है, वो दो टाइप के मिलेंगी, ठीक है। एक ये वाली मिलेगी जो हमने अभी निकाली थी, जब हमारा जो रिफ्लेक्टर था वो मूविंग टुवर्ड्स सोर्स एंड ऑब्जर्वर था, ठीक है, और एक ये वाली मिलेंगी जब हमारा ऑब्जर्वर सॉरी रिफ्लेक्टर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा बी, दो टाइप की होंगी ये बी, इसको मैं बी इसको बी ओ टू बोल देता हूँ, ठीक है, इसको बी जीरो टू बोल देता हूँ, ठीक है, सॉरी इसको वन बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी वन लिख लेता हूँ, वो कितनी थी, वो थी एफ इंटू टू वी अपॉन वी एस माइनस वी, राइट, और वो थी बी टू कितनी थी, ये थी एफ अपॉन टू वी अपॉन वी एस प्लस वी, ठीक है। तो हमारे पास दो बीट फ्रिक्वेंसीज है, दो बीट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वेरिएशन ऑफ बीट्स, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया है।
हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारा ऑब्जर्वर सुनेगा, मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसीज। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।